अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा, प्रोग्राम बुलंद हौसले लेके हाजिर हाँ। दोस्तों अक्सर उन्हां लोकां दे उत्ते दुख हुंदा है जिहड़े किस्मत किस्मत ते किस्मत दा राग अलापदे रहिंदे ने, जिहड़े अपने मूल नूं पछाणदे नहीं, हिम्मत दे नाल दोस्ती पाउंदे नहीं ते वार वार इक्को गल कहिंदे ने कि किस्मत दे विच लिखिया नहीं सी, इस करके फलाने काम दे विच सानूं सफलता नहीं मिली। पर विद्वान लोग आखते हैं कि किस्मत उन्हां दी भी हुंदी है जिन्हां दे हथ नहीं हुंदे। सो किस्मत असी अपनी आप बनाउणी है, हिम्मत अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पाउण, इह गल एवें नहीं आखी गई ते इह गल हूब हू लागू हुंदी है जगविंदर सिंह ते। जगविंदर सिंह दे हथ नहीं ने पर हौसला कमाल दा है, ओह कम भी कर दिखाउंदा है जिहड़े कम बहुते लोग हत्थां वाले होण दे बावजूद भी नहीं कर सकते। जगविंदर सिंह साइकल दौड़ दे विच इहो जिहा मारका मार चुकिया है कि शब्दों के जरिए उसकी महिमा की नहीं जा सकती। जगविंदर सिंह ने 212 ते 208 किलोमीटर साइकल दौड़ दे विच चंडीगढ़ च पहला स्थान हासिल किया है। जगविंदर सिंह बेशक माली तौर के उत्ते बहुता वधिया नहीं है, उहदे परिवारक हालात बहुते साजगार नहीं ने, पर हौसले की बुलंदी कमाल दी है। तो जगविंदर सिंह ने कहा कि जेकर सरकार मेरी मदद करे तो मैं पंजाब ही नहीं सगों साइकल दौड़ दे विच समुचे भारत का नाँ रोशन कर सकदा। जगविंदर सिंह दे बाबत तैयार की गई ये रिपोर्ट पेश है। जगविंदर सिंह का हौसला इन्ना कमाल दा है कि एक तो उसने हथ ना होने के बावजूद साइकलिंग दौड़ दे विच मारका मारिया, तो नाल ही उसने पैरां दे राही चित्रकारी करन दे विच ही पंजाब अंदर नहीं सगों देश दे विच पहला स्थान हासिल किया होया। वो अपनी चित्रकारी राही समाजिक बुराइयां नूं तस्वीरां दे माध्यम राही खत्म करन दा संदेश समाज नूं दे रहा है। उसने मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल दी पैरां राही जिहड़ी तस्वीर तैयार कीती है, उस दे इस हौसले नूं देखदे होए मुख्यमंत्री ने उस नूं यादगारी चिन्ह दे के भी सन्मानित किया। पर अजे तक वह रुजगार दे लई पटक रहा है ते उसने अपील कीती है कि सरकार उस नूं रुजगार देवे तां जो उस सूबे दा नां दुनिया दे विच उच्चा कर सके। उसने कहा मेरा परिवार गरीब होण करके मेरे उत्ते ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। सिखी नूं बरकरार रखण लई उसने अमृत पान किया होया ते उसका पूरा परिवार ही अमृतधारी है। उसकी भैन उसकी दस्तार बांधी है, उस नाल उसका हौसला होर भी मजबूत हुंदा है। सर मैं शुरू तो मीनस कि सब तो पहला तो पैरों ना लिखना सिखाया मेरे माता जी ने, जिन्हों का नाम अमरजीत कौर है। तो उस तो बाद फादर साहब जिहड़े मेरे फादर साहब कढ़ाई का काम करते हैं फैशन बुटीक का, उन्हों की शॉप है। तो मीनस कि उन्होंने तो मैं ड्राइंग का जोड़ा शौक है पिया हूँ तक भ्रूण हत्या के नाल रिलेटड नैचुरल जो पेंटिंग्स होंदिया ने पोर्ट्रेट तो स्कैचिंग वाटर कलर मैक्सिमम कुछ ऑयल पेस्टल ऑयल कलर। चित्रकारी राही एक मैसेज दिता जाता है कि जो आर्टिस्ट की सोचने शक्ति है जो वह सोच रहा है ठीक है, वह अपनी सोच न कागज़ के उत्ते ड्रॉ करके कलरिंग करके एक समाज में वधिया मैसेज दे सकता जो कि वह अपने मन के विच उहदे मन के विच सोचा होया कि हुण कोई भी आर्टिस्ट है वह सारयां नूं दस तां नहीं सकता, हर एक नूं दस नहीं सकता भी तुसी समाज दे विच कीवें रहना है कीवें विचरना केड़ियां चीज़ां तो दूर रहना केड़ियां चीज़ां नूं आपदी जिंदगी दे विच लैके आना है। बट एक पेंटिंग दे राही एक आर्टिस्ट दस सकदा है कि तुसी कीवें समाज च विचरना है ते केड़ियां समाजिक कुरीतियां तो तुसी दूर रहना है। ते किस तरह किथे कि तुसी मुकाबला च जिहड़े तुहाडे नाल जिहड़े दो हथ भी हुंदे उहनां नाल मुकाबला होया होणा तुहाडा? मैक्सिमम सर ये कंपीटीशन हैंडीकैप्स दे हुंदे सीगे जो अंडर 18 वीएस से, तो उस दे विच तीन वारी मैं डिस्ट्रिक्ट चो टॉप कर चुके हाँ, तो तीन पोजिशन है जो मेरी वो स्टेट चो ने, तो वन पोजिशन है जो मेरी नैशनल चो है। जो नैशनल दे विचों टॉप किया उस दे विच वर्ल्ड दी आर्टिस्ट सी अंजली इलामेन, इंग्लैंड दे रहन वाले सीगे ते स्टेट अवार्ड गवर्नर वालों मिले सीगे ते प्रकाश सिंह बादल जी
ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਜ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਨਾਨਕਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, 208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਰ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਈ ਸੀ 208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੇਮਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਦੀ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।